जीप अपनी कंपस पर बेस्ड 3-रो SUV मेरिडियन को इंडिया में जून के महीने में लॉन्च कर सकते हैं। वैसे तो ये गाड़ी इंटरनेशनल मार्केट में कमांडर नाम से बिक रही है और ये गाड़ी 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होगी। कंपस पर बेस्ड होने के कारण इस गाड़ी का व्हील बेस और इसकी लंबाई कंपस से ज़्यादा रहने वाली है और इसमें जीप कंपस वाला ही 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलेगा, लेकिन इसमें 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाएगा, जिस कारण से इस गाड़ी की पावर बढ़कर 200 हॉर्स पावर तक हो जाएगी। ये गाड़ी जब इंडिया में लॉन्च होगी तो इसका लॉन्चिंग प्राइस लगभग 30 लाख रुपए के आसपास रहने वाला है। जीप ग्रैंड शिरोकी को इंडिया में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है और ये गाड़ी 5-सीटर और 7-सीटर ग्रैंड शिरोकी एल वर्जन में लॉन्च हो सकती है। इस गाड़ी में 10.1 इंच का टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और इसके साथ ही पैसेंजर साइड पर भी 10.25 इंच का टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इस गाड़ी में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, नाइट विजन कैमरा विद पेडेस्ट्रियन और एनिमल डिटेक्शन, इंटरसेक्शन कोलिजन असिस्ट और पार्क असिस्ट मिल जाते हैं। US में गाड़ी 3 इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। 3.6 लीटर का V6 इंजन जो लगभग 297 पीएस पावर प्रोड्यूस करता है और 392 Nm की टॉर्क, और इसके साथ ही 5.7 लीटर का V8 पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो लगभग 362 पीएस पावर प्रोड्यूस करता है और 529 Nm की टॉर्क। ये गाड़ी 2 लीटर के टर्बोचार्ज हाइब्रिड इंजन के साथ भी अवेलेबल है जो लगभग 381 पीएस पावर प्रोड्यूस करता है और 637 Nm की टॉर्क। इस गाड़ी में 4-व्हील ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड मिलता है, लेकिन ये गाड़ी जब इंडिया में आएगी तो ये 3.6 लीटर V6 इंजन और 2 लीटर के हाइब्रिड टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च होगी। इसके हाइब्रिड वेरिएंट में 17 किलोवाट आवर की बैटरी है, जिससे इस गाड़ी को 40 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है और ये गाड़ी सितंबर के महीने में इंडिया में लॉन्च हो सकती है। लोकली असेंबल होने के कारण इस गाड़ी का जो प्राइस है वो सिर्फ 65 लाख रुपये ही रहने वाला है। टाटा सफारी डार्क एडिशन 17 जनवरी को लॉन्च होगी और इस गाड़ी में ब्लैक इंटीरियर और ब्लैक एक्सटीरियर मिलेगा। इस गाड़ी में सेम वही 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलेगा और इस गाड़ी का प्राइस नॉर्मल सफारी से 30,000 रुपये ज़्यादा रहने वाला है। सिट्रियन C5 एयर क्रॉसर कंपनी ने 98,000 रुपये तक प्राइस बढ़ा दिया है और ये गाड़ी 2 वेरियंट्स में आती है, फील और शाइन। फील का प्राइस 32,24,000 रुपये हो गया, जबकि शाइन का प्राइस 33,78,000 रुपये हो गया है। इस गाड़ी में 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो कि 177 पीएस पावर प्रोड्यूस करता है और इसमें 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। वैसे इंटरनेशनल मार्केट में C5 एयर क्रॉस फेसलिफ्टेड रिवील हो चुकी है।